नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर दीक्षित एक नए यूट्यूब सेशन के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारा आज का सेशन जो है दैट इज़ वोकेबुलरी बेस्ड, और आज हम लोग कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला वन वर्ड, अ पर्सन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ हेल्पलेस पर्सन इन डिफ़िकल्टीज़। मुसीबत के समय किसी अपरिचित की मदद करने वाला व्यक्ति, द आंसर इज़ समैरिटन। नेक्स्ट, समथिंग दैट इज़ डन स्टेल्थली, गुपचुप तरीके से किया गया काम। स्टेल्थली का मतलब होता है दोस्तों चुपचाप तरीके से। द आंसर इज सरेप्टिशियस। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जहर के अध्ययन को क्या कहते हैं। द आंसर इज टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक प्लस ऑलॉजी। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के वजूद में यकीन रखने वाला। थीस्ट, अब दोस्तों इसी थीस्ट के पहले अगर हम ए और जोड़ दें देन द दैट बिकम्स अथीस्ट। तो अथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो थीस्ट और अथीस्ट हुए एंटोनिम्स। नेक्स्ट, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब से दूर रहने वाला व्यक्ति इज नोन एज टीटोटेलर। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हु इज एबसेंट विदाउट परमिशन, क्लास से बिना परमिशन एबसेंट रहने वाला स्टूडेंट इज नोन एज ट्रूएंट। नेक्स्ट, अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, एक ऐसा फैसला जो सबकी सहमति से लिया गया हो जिसको कहते हैं एकमत। द आंसर इज अनैनिमस। नेक्स्ट, वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी को बहुत लंबा तजुर्बा है एक पेशे का, दैट पर्सन इज नोन एज वेटरन। नेक्स्ट, अ टेंडेंसी टू चेंज वंस माइंड टू क्विकली, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसा इंसान जो अपना ओपिनियन बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता हो ऐसे इंसान को कहेंगे वैसीलेटर या वैसीलेशन, चेंज करने की टेंडेंसी को वैसीलेशन, और इंसान को कहेंगे पर्सन इज नोन एज वैसीलेटर। नेक्स्ट, अ फॉल्स नेम अज्यूम्ड बाय अ पर्सन, फॉल्स नेम अज्यूम्ड बाय अ पर्सन का मतलब होता है जो है नहीं लेकिन आपने बस अज्यूम कर लिया है, अपने नाम के साथ लगा लिया है, दैट इज नोन एज एलियास। नेक्स्ट, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, जैसे दोस्तों एट्सेट्रा के लिए हम लोग कहते हैं ETC, एग्जैम्पली ग्राशिया के लिए हम लोग कहते हैं EG, इसी तरीके से अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज इज नोन एज अब्रीविएशन। नेक्स्ट, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, दोस्तों जैसे मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा नाम अंकुर दीक्षित, लेकिन अंकुर से ए लिया और दीक्षित से डी लिया, तो ए और डी, तो ये मेरा नाम नहीं, ये मेरे नाम का एक्रोनिम है। तो वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम इज नोन एज एक्रोनिम। जैसे जॉन एफ कैनेडी के लिए JFK कहा जाता है, तो JFK का मतलब हुआ एक्रोनिम। शाहरुख खान के लिए SRK, तो SRK हुआ एक्रोनिम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एट्सेट्रा, किसी किताब के अंत में जोड़ा जाने वाला एक हिस्सा इज नोन एज एडेंडम, जिसको बाद में ऐड किया गया हो। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, दोस्तों लगातार शब्दों का जो शुरुआती लेटर है वो एक ही हो, तो ये हम लोगों ने पहले फिगर ऑफ स्पीच में भी पढ़ चुके हैं पहले एक वीडियो में, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों एलिटरेशन, ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। नेक्स्ट, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए जो काम करता हो यानी परोपकारी व्यक्ति इज नोन एज एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, किसी को किसी पॉलिटिकल क्राइम के लिए क्षमा दान दे देना इज नोन एज एमनेस्टी। नेक्स्ट, वन हु विशेज टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, जिसको एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर को की धज्जियाँ उड़ाने में मज़ा आता हो इज़ नोन एज एनार्किस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अराजक। नेक्स्ट,
वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपने धर्म का त्याग कर देता है, इज नोन एज अपोस्टेट. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ाई झगड़ा करने का बहुत शौक हो, इज नोन एज बेलिकोज या बेलिजरेंट. सिनोनिम्स हैं दोस्तों. नेक्स्ट, अ थिंग विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए, इज नोन एज ब्रिटल. नेक्स्ट, अ राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, घुमा फिरा के बात कहने का तरीका, इट इज़ नोन एज सर्कमलोक्यूशन. नेक्स्ट, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, दोस्तों रेलवे स्टेशन या पर जो सामान रखने के लिए स्टोरेज रूम होता है, इज नोन एज क्लोक रूम. नेक्स्ट, समथिंग दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट. कोविड 19 पैंडमिक चल ही रहा है दोस्तों, और ये बड़ा आजकल एक शब्द जो है चर्चा में रहता है, कॉन्टेजियस, यानी सिर्फ टच से ही फैलने वाला, इज नोन एज कॉन्टेजियस. नेक्स्ट, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग का मतलब कुछ गलत काम करने के लिए पश्चाताप करना, इज नोन एज कॉन्ट्राइट. नेक्स्ट, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज इन एवरीडे कॉन्वर्सेशन का मतलब डेली बोलचाल की भाषा में जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर्मल की जगह, दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज कोलोकलिज्म. नेक्स्ट, अ सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसमें आपके पास एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास डेली सर्वाइवल की ज़रूरतों की चीज़ें भी पूरी ना हो रही हों, इज़ नोन एज डेस्टिट्यूशन. नेक्स्ट, मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय इलनेस, बीमारी की वजह से आपके दिमाग का सही ढंग से काम ना करना, इज़ नोन एज डिलीरियम. होशो हवास ना रहना इज़ नोन एज डिलीरियम. नेक्स्ट, अ लैंग्वेज दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ इज़ नोन एज, ये दोस्तों पिछले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोगों ने एक दूसरी डेफिनेशन के थ्रू देखा था, द आंसर इज़ ऑब्सोलीट. नेक्स्ट, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स और राइटिंग, कड़े शब्दों में निंदा करना, इज़ नोन एज डायट्राइब. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम, दो चीज़ें हैं जो सेम होनी चाहिए तो लेकिन फिर भी उनमें विरोधाभास है, अलग अलग हैं दोनों, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं डिस्क्रिपेंसी. नेक्स्ट, बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव द सेम राइट्स, ये मानना कि जितने लोग हैं उनके समान अधिकार हैं और उनको समान रूप से ज़िंदगी जीने का हक है, इज़ नोन एज इगैलिटेरियनिज्म. दोस्तों इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वलिटी में बिलीव करना, तो ये इक्वालिटी और इगैलिटी ये एक ही चीज़ है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, ये इक्वालिटेरियनिज्म नहीं है, इट इज़ इगैलिटेरियनिज्म. नेक्स्ट, अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, जो किसी मिशन पे भेजा जाए ऐसे पर्सन को कहेंगे एमिसरी. नेक्स्ट, समथिंग दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, कुछ ऐसा जिसे समझाया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके, इज नोन एज एक्सप्लिकेबल. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज और कन्विंस, एक ऐसा जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो, इज नोन एज फास्टिडियस. नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ काउंटरफीटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जाली दस्तावेज तैयार, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज फॉर्जरी. नेक्स्ट, बिलीफ दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन वर्ल्ड इज प्लेजर, ये मानना कि सुख दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, आनंद दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, इज नोन एज हेडोनिज्म. नेक्स्ट, टू एग्जामिन वंस ओन थाट्स एंड फीलिंग्स, कहते हैं अपने गिरेबान में झांक के देखना, अपना खुद का विश्लेषण करना, आत्मविश्लेषण, इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन. नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट स्पेशली फॉर गॉड और रिलीजन, धर्म या ईश्वर के प्रति निष्ठा का भाव ना होना, इज नोन एज
इम्पाइटी। अगर आप पायस हैं तो आप पाइटी रखेंगे, अगर आप पायस नहीं हैं यानी कि रिलीजियस नहीं हैं, होली नहीं हैं, देन दैट इज़ नोन एज इम्पाइटी। नेक्स्ट, वन हु स्पीक्स मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता हो, इज़ नोन एज पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य की एक छोटी सी स्टेटमेंट, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट, तो ये दोस्तों यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिम। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें कोई एविडेंस प्रूव देने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है, तो इसको कहेंगे मैक्सिम। नेक्स्ट, वन हु इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्मॉल डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में भी जो पर्टिकुलर हो, उन पर भी ध्यान देता हो, ऐसे इंसान को कहेंगे मेटिक्यूलस। नेक्स्ट, पर्सन और थिंग विच हैज़ नो इक्वल, एक ऐसा जो अद्वितीय हो, जिसका कोई कंपटीशन ना हो, उसके बराबर कोई ना हो, उसके समान कुछ ना हो, देन दैट इज़ नोन एज नॉन प्रील। नेक्स्ट, टू टर्न समवन आउट ऑफ सोसाइटी, किसी को समाज से निकाल देना, बहिष्कार कर देना। अब दोस्तों ये हम लोगों के यहाँ डेली न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं, एक लड़का एक लड़की दोनों अलग अलग समाज से, दोनों ने शादी कर ली तो समाज ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, तो ये सामाजिक बहिष्कार जो है वो चाहे किसी भी वजह से हो, ये तो केवल एक एग्जांपल है, तो वो बहिष्कार शब्द जो है दैट इन इंग्लिश इज़ नोन एज ऑस्ट्रासाइज। नेक्स्ट, टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज़, छोटी मात्रा में चुरा लेना, इज़ नोन एज पिल्फर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, एक ऐसा लैंडमास जो लगभग चारों तरफ से ही समुद्र से घिरा हो, इज़ नोन एज पेनिनसुला। नेक्स्ट, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान इज़ नोन एज फिलोलॉजी। नेक्स्ट, टू ब्रिंग समथिंग और समवन अंडर कंट्रोल, किसी को अपने अधिकार या कब्जे में ले लेना, इज़ नोन एज सबड्यू। तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के इस रैपिड फायर सेशन में आज के लिए इतना ही, जल्दी ही एक और नए सेशन में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू एंड बाय बाय।